सुपर इवनिंग किस तरह से घटने जाएगी ये आप और सिंसोनिक्स की टीम हमारे स्क्रीन पर नजर आ रही है। अच्छी टीम यहां पर आपको नजर आ रही है सिंसोनिक की, बट फलनी टस्कर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, प्यूआ कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन 2023 सागर पंचाल इस मुकाबले के U2 शुरुआत का संकेत देते हुए राजू सिंह, जैसा हमने कहा था नवनीत वैसे ही अंदाज में शुरुआत। राजू सिंह पहली रेड को लेकर लेफ्ट रेडर राइट कॉर्नर पर, वहां पर आपको नजर आएंगे पलनी टस्कर्स के लिए पी रजीत। ऐसा लग रहा था कि राजू सिंह पहले अंक ले जाएंगे, बट पी रजीत और उनके साथी खिलाड़ियों ने पूरी तरह से यहां पर अपने जाल में फंसाया। जी बिल्कुल, जाल में फंसाया है। यहाँ पर देखिए, वहां पर कोई मौका नहीं मिला, पीछे से ब्लॉक कर दिया और उसके बाद एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहते हूँ कि यहाँ पर पूरे कोर्ट में पीली जैसी नजर आ रही है, चाहे वो पलनी टस्कर्स की हो चाहे वो सिंसोनिक्स की हो। चाहिए तो है कि वहां पर शाइनिंग रेड इस बार पलनी टस्कर्स के लिए। बी क्रूबा एक बार फिर से आए हैं, 4 मिनट का खेल हो गया, 4-0 से पलनी टस्कर्स इस मैच में लीड है और 4 यहाँ पर डिफेंडर्स भी 4 है, तो यहाँ पर 4 का हमेशा घर डिफिकल्ट होता है, लेकिन उस घर को तोड़ा है किरुबा ने और डू और डाई रेड में वहां पर भी। और यही नवीन हमने सुना है ना कि माफ कर देने वाला हमेशा और ज्यादा बड़ा होता है, बट इसलिए हमेशा क्षमा करना चाहिए। फॉरगिवनेस को लेकर बहुत सारे थॉट्स हमने सुने, यहाँ बोनस का प्रयास किस्मत पर, जानते हैं यहाँ पर पलनी टस्कर्स के डिफेंडर्स की, अभी हमें कुछ ओवर ज्यादा ट्राई नहीं करना है। यहाँ एक और बार आपने कोशिश की बोनस की तो शक्ति वेल आपको जाने नहीं देंगे, पावरफुल एंकल होल्ड के साथ शिकार बनाते हुए किस्मत का। सिंसोनिक बिना किसी अंक, मुझे लगता है नवीन नवनीत ऑल आउट की तरफ बढ़ चुकी है। बिल्कुल बढ़ चुकी है, और क्योंकि आप क्षमा की बात कर रहे थे तो उसका क्या, जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल, यानी कि जो क्षमा होता है ना वो शक्तिमान, जो शक्ति से। बिल्कुल, और क्योंकि आपने इतने मैचेस में कमेंट्री की है, क्या आपको ऐसा कभी याद आता है हर्षित कि पूरे हाफ में एक भी अंक ना मिला हो किसी टीम को? बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी भी है, बहुत ही स्विफ्ट स्वीट मूवमेंट उनकी कमाल की रहती है, और जिस तरीके से कुमुट को कवर करते हैं बिल्कुल दर्शनीय। राजू सिंह एक बार फिर से शायद यहां असफल रहेंगे, पर क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, क्या कुछ डिफेंडर्स उस लॉबी के भी बाहर चले गए, देखना होगा। पूरी टीम मुझे ये लग रहा है कि अब सिंसोनिक की बड़ी जल्दी सब्स्टिट्यूट होने वाली है। और ऐसा विशिष्य है जहां पर आपको उड़ान भरना सिखाती है, और लिमिट जिस तरह से जो उसकी डोर होती है उसके उड़ाने वाले के हाथ में होती है, कितना हवा में आप झूमें कितना भी आप करें, बट अंत में आपको एक लिमिट में रहना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि उड़ना तो है और वापस भी आना है, और दूसरे से खतरा भी रहता है क्योंकि कभी कभी ज्यादा उड़ेंगे तो आपको काट दिया जाता है, तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मकर संक्रांति क्या कमाल का पर्व है, और पूरे भारतवर्ष में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है, असम में इसे बिहू। जी हाँ, इसी बीच फिर से एक बार राजू सिंह, सिंसोनिक्स की जो पटरी है पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है, लेकिन क्या इस जो अंधेरा सा छा गया है उसमें थोड़ी सी दो बार सिंसोनिक लीडर्स का वहां पर 20 पर दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति, पहला हाफ यहां पर समाप्ति की तरफ बिल्कुल जा चुका है। दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति वहां पर है, राजू सिंह हमने इनके स्टैट्स देखे थे वहां पर अलग, उस समय जिस तरह से यहां पर उनका फॉर्म रहा है इस मैच में वो बेहतर नहीं, बट ओवरऑल फॉर्म इनका बहुत अच्छा है। राजू सिंह एक बहुत ही अव्वल दर्जे खिलाड़ी हैं। पॉइंट्स 9 पलनी टेस्टर्स की, टैकल पॉइंट 7 वर्तमान होता है, वो आपके लिए प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। और यहाँ पर निश्चित रूप के रस्ते में आते हैं वो, उन्हें भी साथ ले पलते हैं और ले चलते हैं पलनी टस्कर्स, ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। क्या एक और बार अच्छा कार्य वहाँ पर किया, एक बहुत अच्छी टर्न वहाँ पर नजर आई। और अजय नंदा कृष्ण बात करें तो जो पॉसिबिलिटीज है, जो पोटेंशियल है, उसे आपको लगातार प्रयास करना है, और वो जो बाउंडलेस एनर्जी है उसकी तरफ वहाँ पर लेकर जाना है। और नवनीत एक और चीज़, ओपन बुक
मुझे लगता नहीं कि हमारे दर्शकों को ओपन बुक से हम ज्यादा समझा सकते हैं। आप कहता हूँ इन कबड्डी प्लेयर्स को देख रहा हूँ, तो जिंदगी ओपन बुक की तरह है। तो मुझे आपने क्योंकि ये सवाल पूछा मुझे याद आ गई, थ्री इडियट्स जो मूवी थी उसमें आमिर खान क्या करते थे, किसी भी क्लासरूम में जाकर के बैठ जाते थे और जहाँ सीखने का मौका मिलता था सीखते थे। आप बड़ों से सीख सकते हैं, छोटों से सीख सकते हैं, और मेरे ख्याल से यही ओपन बुक होती है। और आप जिंदगी करना, 4-31 हो चुके हैं अब ओवरऑल स्कोर, तो हर ताले की चाबी होती है, यानी कि हर प्रॉब्लम को कोई ना कोई सॉल्यूशन वहां पर होता है। अब धनंजय देखकर वहां पर रेड पर, ये कैसी रेड लगाएंगे? और बिल्कुल आपने वो जो चाबी की बात की, चाबी भी कमाल की चीज होती है ना, और जब चाबी खुलती नहीं है तो कुछ लोग नकली चाबी भी बना लेते हैं। यहाँ पर कमाल का जंप और वो चाबी बनाया, यहाँ पर देखिए बिल्कुल वो लॉक हो गए थे। और आपने चाबी की बात की और शायद आपकी जो बात है उनके कान तक पहुंची और वो बोले कि मैं चाबी बनाऊंगा और कोर्ट को पार करूंगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर फंस से गए थे, पर अच्छी जंप, इसे कहते हैं प्रॉपर एंटिसिपेशन सी रह गई है। और वो खुद से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं आई होगी। राजू सिंह बहरहाल यहाँ पर बाई तरफ से रेड लगाते हुए, पूरे 7 डिफेंडर्स है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुश्किल से पार पाया है राजू सिंह ने। और 2 अंक का इजाफा सिंसोनिक्स और राजू सिंह के लिए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, राजू सिंह की इनका फॉर्म में बना रहना, इनका वो स्पार्किंग परफॉर्मेंस दर्शाना, ये बहुत जरूरी। और तुरंत मोमेंटम, जैसे वो जान वो अपना मोमेंटम जो है वो ले गए किस तरफ, मिडलाइन की तरफ। और 2 क्यों आप किसी टीम को बहुत बड़ा कहते हैं, और ये चलिए पॉइंट्स टेबल भी आपके समक्ष है, हालांकि जो इस मुकाबले को जीतेगा वो टेबल टॉपर हो जाएगा। कि 6 अंक पलनी के हैं, ये मुकाबला पलनी जीतेगा शायद, अभी जिस प्रकार से प्रतीत हुआ है पूरे 6 अंक वहां पर वो ले लेंगे, तो 12 अंकों के साथ वो पहले पायदान पर पहुंच जाएंगे। अभी हम्पी है वहां पर पहले पायदान पर। और जो हम बात कर रहे थे कब कोई टीम बड़ी कहलाती है, ये थोड़ा सा एंबैरेसिंग सिचुएशन हो सकता है। एंबैरेसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंट सोनिक के अनचाहा जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा था वो नहीं चाहेंगे, चाहेंगे कि एटलीस्ट डिफेंस में पॉइंट वहां पर अर्जित करे। राजू सिंह जरूर रेड में पॉइंट्स लाकर वो धीरे धीरे बता रहे हैं कि सेंट सोनिक आई थिंक उनके वहां पर मौजूद है। और देखिए नवनीत, हम सभी जो एक भारतीय और भारतीय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई होता है तो वो उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि जब हम भगवान की भी बात करते हैं, जब आप सभी ग्रंथों के रिलीजन की बात करते हैं, तो सभी रिलीजन्स में यही कहा गया है कि योर पेरेंट्स वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है और वो सबसे ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्टेड होते हैं। यहाँ पलनी टस्कर्स बोनस प्लस 1 टच पॉइंट भी ले जाएंगे। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही और वो कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, वो थोड़ा सा अनइंटेंशनल मुझे लगा, वो जानबूझ के नहीं किया गया था। जी प्रभाकरण यहाँ पर आए हैं 39 और 10, और यहाँ पर एक और शिकार किया है। 1 point, पल्ली डस्कर्स नंबर 77 आउट। नवनीत वो पूरी जहां को बता दिया कि कैसे एक सितारा पनप रहा है और आने वाला भारत का वो कबड्डी का बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। नवनीत, आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट पॉइंट। सिंसोनिक को टैकल में एक ना एक पॉइंट जरूर मिलना चाहिए। चुपकी, दिनेश कुमार कृष्णा मूर्ति फाइन डुबकी यहाँ पर आई, नंबर 55 आउट। ये क्या कमाल का डुबकी था ना वहां पर, ये बॉडी को नीचे गए हैं, और जैसा कि अक्सर हम बात करते हैं कि थंग वेलू लोअर ग्रेविटी रखते हुए, और कोई मौका नहीं वहां पर मैनेजमेंट को, वो पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि ये 11वां मैच है तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब इस मैच के बाद 11 पेड़ लग जाएंगे ग्रीन इनिशिएटिव के द्वारा। जी जी नवनीत, ये भी आपने अच्छा याद दिलाया हमारे दर्शकों को, किस्मत बहुत समय के बाद आए और बहुत समय के बाद पॉइंट भी ले गए। मेरे लिए थोड़ा समझ से परे था कि आज क्यों कोच साहब ने इतने बदलाव किए पहले हाफ के थोड़े ही समय के बाद, और अगर ये मैच समाप्त हो जाए तो क्या डिफेंस सरवाइव कर पाएगा। एक सुपर टैकल दीजिए अपनी टीम को, इस अनचाहे रिकॉर्ड से बचाइए। कोच साहब कहिए एक प्लेयर्स को कि मुझे एक टैकल पॉइंट कैसे भी चाहिए, चाहे आप ऑल आउट हो जाए, चाहे आप कुछ भी करें। यहाँ क्या डैश किया है, क्या यहाँ पर डैश किया है। ये एनर्जी नवनीत, ये एनर्जी सिर्फ इसलिए कि चलिए इस अनचाहे रिकॉर्ड से सिंसोनिक अंतिम रेड में सही बार बची है, बट ये सिर्फ बच पाए हैं।
बकरे की तरह जिस तरह से आप बात करते हैं एनिमल्स की बात करते हैं यहाँ मिले हैं क्या दो पॉइंट सबसे कम टैकल पॉइंट है इतिहास में और अगर कम है